Chapter 1, The Living Word. Now, यानी सजीवों की दुनिया. इसमें हम कई सारी डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं. पहले तो ये बताइए कि आपने बायोलॉजी क्यों ली है. बायोलॉजी है क्या? इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स. ये कई प्रकार के लिविंग बींग्स की स्टडी को बोलते हैं बायोलॉजी. और इसी की दो सिस्टर्स हैं, दो ब्रांचेज हैं मेन. एक तो है बॉटनी और एक कहलाती है जूलॉजी. बायोलॉजी कैन बी डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, टू ब्रांचेस, टू सिस्टर्स. अब आप खुद दिमाग लगाइए इनकी नाम सुन के, इनमें से कौन सी वाली पेड़ों की स्टडी है, पेड़ पौधों की, और कौन सी एनिमल्स की है. यस, बॉटनी यानी कि पौधों की स्टडी. व्हेन यू टॉक ऑफ प्लांट्स एंड यू स्टडी ऑफ प्लांट्स, दैट इज बॉटनी. एंड व्हेन यू टॉक ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, देन इट इज जूलॉजी. बॉटनी प्लस जूलॉजी इज इक्वल टू बायोलॉजी. डाइवर्सिटी, व्हाट इज डाइवर्सिटी? आप पहले पढ़ के आए हुए हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं विविधता, जैव विविधता. इसके ऊपर पूरा चैप्टर था एक आपका बहुत पहले 9th में. और इसका सिंपली मीनिंग है वैरायटी, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, अराउंड एन एरिया, इन एन एरिया इज कॉल्ड डाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया. अब अगर मैं एक आपको डायग्राम बना के समझाना चाहूँ इसके बारे में, तो ये एक जंगल का सीन है. इसमें पेड़ उग रहे हैं. मान लो ये 5 types ऑफ पेड़ हैं, 5 जाति के पेड़ यहाँ इस ए वाले जंगल में उग रहे हैं. अब आ जाते हैं जंगल नंबर बी पे. यहाँ के पेड़ बनाते हैं, यहाँ भी बहुत सारे पेड़ हैं इस फॉरेस्ट में भी, लेकिन यहाँ पे 50 different varieties के पेड़ नज़र आ रहे हैं. आपके मुताबिक ए और बी में से कौन सी में विविधता यानी डाइवर्सिटी ज़्यादा है, कौन किस जंगल की? ऑफ कोर्स बी की विविधता कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ वैरायटी, जाति बहुत ज़्यादा है, स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिम्स बहुत ज़्यादा है, ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा है. ये वाले निर्जीव हैं और ये वाले सजीव हैं. अब इन दोनों में अगर आप देखिए डिफरेंस करते हैं, पहला ग्रोथ का. लेट अस टेक वन फीचर, द फर्स्ट फीचर दैट इज ग्रोथ. अगर इन दोनों में ग्रोथ देखी जाए, ग्रोथ वाला फीचर देखा जाए, तो हम क्या डिफरेंस पाने वाले हैं. अब यहाँ पे एक छोटा सा चाइल्ड है जो पैदा हुआ है, और क्या यह छोटा ही रहेगा या आगे जाके ये उगता उगता बड़ा होता होता एक इंसान बनने वाला है प्रॉपर? हाँ, ये बड़ा हो जाएगा, ये एडल्ट बनेगा, राइट? और इसका मतलब इसमें ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ होगी. सजीवों में ग्रोथ होती है, लिविंग बींग्स में, लिविंग थिंग्स में. बट यू, इफ़ यू टॉक ऑफ अ कार से, ये आपकी कार है, आपके पास एक छोटा मॉडल है कार का, और आप कहो कि ये ऑल्टो बड़ी हो के एक बड़ी कार बन जाए, मर्सिडीज बन जाए रातों रात, इसकी ग्रोथ हो जाए, ये उग जाए, ये फैल जाए, इसकी ग्रोथ हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. नो ग्रोथ अकर्स इन नॉन लिविंग थिंग्स. बता सकते हो नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव वस्तु जो कि ग्रो करके दिखाए, विच कैन शो ग्रोथ, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसे एग्जाम्पल्स दुनिया में हैं. सच एग्जाम्पल्स आर देयर. ट्राई टू थिंक ऑफ दीज एग्जाम्पल्स. वन एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेल यू इज अबाउट द सैंड ड्यून.
अगर आप एक रेत का टीला देखें, ये रहा रेत का टीला और क्या ये रातों रात या एक दो दिन में जब इस पे सैंड गिरती जाए सैंड आती जाए रेत आती जाए तो क्या ये बड़ा हो सकता है? हाँ, ये बड़ा होके दिखा सकता है रेत का टीला। ये बड़ा हो गया रेत का टीला, ठीक है, तो इसने ग्रोथ दिखाई है जबकि ये नॉन लिविंग है। उसके अलावा और एग्जांपल्स भी हैं, एक छोटा टीला है, एक छोटा हिल जिसको हिल बोलते हैं, छोटा सा माउंटेन, और इसमें भी डिपोजिशन होते होते सैंड की और मिट्टी वगैरह की, रॉक्स की, तो ये क्या ये बड़ा बन सकता है? क्या ये माउंटेन बन सकता है? हाँ, ये बड़ा हो सकता है, ये उग सकता है, तो इसका मतलब ये भी ग्रोथ दिखा रहा है जबकि ये नॉन लिविंग है। एक ऐसा फीचर जो लिविंग में भी पाया जा रहा है और नॉन लिविंग में भी कुछ एग्जांपल्स हैं, तो क्या ये लिविंग को अच्छे तरह से परिभाषित कर पा रहा है? क्या उसको बढ़िया डिफाइन कर पा रहा है? पूर्णतः नहीं, यह पूर्णतः लिविंग बीइंग्स को डिफाइन नहीं कर पा रहा, अतः इसके लिए एक शब्द है, इसको कह सकते हैं आप नॉन डिफाइनिंग फीचर। फीचर का ही दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं ट्रेट। एक और वर्ड ले सकते हैं इसमें, यानी करैक्टरिस्टिक। ये पूरी तरह से लिविंग को डिफाइन नहीं कर पाती ग्रोथ, और इसी को, फीचर को, ट्रेट को और करैक्टरिस्टिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणधर्म। अगर आपको याद हो, इन्हें गुणधर्म बोला जाता है। तो हम किसके गुणधर्म पढ़ रहे हैं? लिविंग और नॉन लिविंग के, और उनके डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, इसकी कई टाइप्स हैं। जैसे कि एक बात करते हैं, एक फ्लावर ले लेते हैं, एक प्लांट ले लेते हैं। ये मैंने एक प्लांट ले लिया, ये उग रहा है, राइट, और यहाँ एक बेबी है, छोटा सा बेबी पैदा हुआ है, ठीक है। इन दोनों में से, ए और बी में से, कौन से वाला आपको लग रहा है जो लगातार ग्रो करता ही जाएगा, नॉन स्टॉप होगा और जब तक मर नहीं जाता ग्रो करता रहेगा? दोनों में से कौन सा ऐसा एग्जांपल है? The plant which will show unlimited growth. इसका मतलब ग्रोथ की दो टाइप्स हैं, अनलिमिटेड एंड लिमिटेड ग्रोथ। एक तो है लिमिटेड, जो कि कुछ समय बाद रुक जाती है, जैसे कि चाइल्ड कुछ स्टेज बाद बड़ा हो के एडल्ट बन जाएगा, और एडल्ट बनने के बाद उसकी ग्रोथ कभी ना कभी रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। लेकिन प्लांट सदा उगते रहते हैं, ट्री सदा उगते रहते हैं, उनमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। इसी प्रकार एक और टाइप ऑफ ग्रोथ है एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ। अब ये कौन सी ग्रोथ है? इनमें से एक तो है अंदरूनी और एक है बाहरी। तो अगर आप ये ए और बी के एग्जांपल्स देखें, यानी चाइल्ड का एग्जांपल, प्लांट्स का एग्जांपल, तो ये इंट्रिंसिक ग्रोथ शो करके दिखाते हैं, इनके अंदर से ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर आप किसी सैंड ड्यून की बात कर रहे हैं और किसी हिल की बात कर रहे हैं, उसके उगने की बात कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहा है, माउंटेन बना रहा है, तो उसमें कौन सी ग्रोथ हो रही है? एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी ग्रोथ। उसके ऊपर रेत आ आ के लगे जा रही है और वो बाहरी ग्रोथ दिखा रहा है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ दिखा रहा है।